इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यह कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। माना इसमें कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट से x1, y1 एंड यह पॉइंट P कुछ इस प्रकार है एंड एक और पॉइंट है Q जिसके की कोऑर्डिनेट से x2, y2 एंड यह कुछ इस प्रकार है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर प्राप्त लाइन सेगमेंट पर एक और पॉइंट R जिसके की कोऑर्डिनेट से x, y वह इस प्रकार प्रेजेंट है कि यह लाइन सेगमेंट PQ को m^n में इंटरनली डिवाइड करता है। तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को m^n में एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है तब m = n होगा, दैट मींस m^n की वैल्यू 1:1 होगी, जिससे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के होंगे। अब यदि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। माना पॉइंट P है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड यह कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है एंड एक और पॉइंट है Q जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 एंड यह कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है। अब यदि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें लाइन सेगमेंट PQ मिलता है। माना पॉइंट R जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z वह लाइन सेगमेंट PQ पर इस प्रकार प्रेजेंट है कि यह इसे m^n में इंटरनली डिवाइड करता है। तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब यदि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली m^n में डिवाइड करता है तब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं। अब यदि हम एक और कंडीशन लें कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है तब m^n 1:1 के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से होंगे। यहां ध्यान से देखें तो पॉइंट R के x एंड y कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट R के x एंड y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल ही हैं। यहां डिफरेंस बस इतना है कि थ्री डायमेंशनल होने की वजह से एक और कोऑर्डिनेट विच इज z कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है। अब यदि हमें पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों एंड हमें यह फाइंड करना हो कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तब हम यह अज्यूम करते हैं कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को k^1 में डिवाइड करता है, जिससे पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स k की टर्म में कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब R के जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इन्हें गिवन कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें k की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तब हम कहेंगे कि पॉइंट R PQ को इंटरनली डिवाइड करता है एंड यदि k की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है तब हम कहेंगे कि पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अब यदि हमें तीन पॉइंट्स P, Q एंड R इस प्रकार दिए गए हों कि ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तब इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार होते हैं।